हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चेहरे पर रहे दाग, झुर्रियाँ, एक्ने का पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए एक असरदार और घरेलू रेमेडी लेके आई हूँ। दोस्तों, कोई भी सीजन हो, समर हो, विंटर हो या फिर मॉनसून हो, फिर भी हमें काम पर तो जाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस के अलावा कोई भी दूसरे काम के लिए बाहर जाते हो, तब आपकी स्किन पर अगर छोटे छोटे दाने आते हैं या तो फिर धूल मिट्टी की वजह से आपका चेहरा डल पड़ जाता है या फिर आपके चेहरे पर रिंकल्स, पिगमेंटेशन आ जाता है, तो आपके ये परेशानियां से रेमेडी लगाने से कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, गर्मी में हमें कुछ ऐसा फेस पैक लगाना चाहिए जो हमारे फेस की स्किन को ठंडक पहुँचाए, साथ ही फेस को मिनिमाइज करे। हमारे चेहरे के ऊपर जो धूप के कारण हमारी स्किन में जो डैमेज होती है उसको रिपेयर करने का काम करें। तो आज मैं आपको ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ कि जो चेहरे को ठंडक प्रदान करेगा, साथ ही चेहरे को क्लीन कर देगा। तो आखिर ये रेमेडी कैसे बनानी है और कैसे लगानी है, ये सभी बातें जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेमेडी में। आपको सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है। अब हमें इसमें एक चम्मच बेसन लेना है। अगर आपके चेहरे पर दोस्तों बेसन सूट नहीं करता तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। बेसन जो है वो हमारे पसीनों को कंट्रोल करता है या फिर माउथ के आसपास जो पिगमेंटेशन जो हो जाती है वो सब दूर करता है। साथ ही साथ हमारे चेहरे का जो स्ट्रक्चर हो उसको स्मूथ बनाने के लिए बेसन बहुत ही हेल्पफुल है। अब हमें सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है, वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी हमें यहाँ पर इतनी सी लेनी है। हल्दी हमारे चेहरे पर पिंपल्स के निशान, डार्क स्पॉट्स या फिर एक्ने काज से डैमेज हुए चेहरे को रिपेयर करने में मदद करती है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है वो है नींबू। दोस्तों, नींबू हमें यहाँ पर एक से दो बूंद ही लेना है। नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे चेहरे पर ब्लीचिंग का काम करता है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर नींबू शूट नहीं करता हो तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अब लास्ट में चीज़ जो ऐड करनी है वो है ककुम्बर का जूस। मैंने यहाँ पर ककुम्बर का जूस पहले से ही रेडी करके रखा है। अगर आप चाहो तो इसमें खीरे का पेस्ट भी डाल सकते हो। खीरा हमारे चेहरे को गर्मी में ठंडक देता है, रिंकल्स को दूर करता है और हमारे चेहरे पर जो चेंजेस आ गए होते हैं उसे भी रिपेयर करते हैं। आपको 2 टेबलस्पून जितना खीरा का जूस लेना है। अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा ये ककुम्बर फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसे आपके चेहरे पर किस तरह से लगाना है वो मैं यहाँ पर अपने हाथों पर लगाकर दिखाती हूँ। आपको कुछ इस तरह से उंगलियों की मदद से ऐसे लगा लेना है जिनसे आपके चेहरे पर रहे छोटे मोटे दाने, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, रिंकल्स, झुर्रियों, ये सभी परेशानियाँ आपकी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। आपको इसके लगाने के बाद 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद नॉर्मल पानी से साफ कर लेना है। ये एक नेचुरल रेमेडी है जिनसे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगी। ये सभी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही हमारी स्किन को नरिशमेंट भी मिलता है जिनसे हमारा चेहरा जवा और सुंदर दिखने लगेगा। दोस्तों, आपको ये रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करना है जिसमें आपके चेहरे पर रहे रिंकल्स और दाने निकलने की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें।